जब किताबों के पन्ने हम पलटते थे तो हजार हजार करोड़ की परियोजनाएं केवल नालंदा जिले में दिखाई पड़ती थी। आज इस किताब के पन्ने पर लिखा है 1600 करोड़ रुपया केवल एक राघोपुर के क्षेत्र में, जहां से हमारे उप मुख्यमंत्री जीत कराते हैं, वहां बजट दिया गया है, बाकी पूरा बिहार सुना रहेगा। बिहार के ये 1600 करोड़ है, देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी किताब बोल रही है। जब इस बिहार के अंदर एक पथ निर्माण मंत्री थे, वो इलियास हुसैन साहब जेल क्यों गए? अलकतरा घोटाले में जेल गए। शर्म करिए आप, बिहार की सड़कें आपने नहीं बनाई। अगर सड़कें बनी है बिहार में तो वो हमने बनाया है, हमारे एनडीए की सरकार ने बनाया है, हमारे मंत्रियों ने बनाया है, हमारे लोगों ने बनाया है। जिस चमचमाती सड़कों को आप आज पीठ थपथपा रहे हैं, वो सड़कें हमारी बनाई हुई हैं, वो सड़कें हमारी मंत्रियों ने बना करके आपको दी है। ये किताबें लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पुलिंदा एनडीए की सरकार में किए गए काम का ब्यौरा है, आपके 8 महीने की सरकार का ब्यौरा नहीं है। आप सर्व करिए। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह, अपना पक्ष रखें, आपका समय 10 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। देखिए, थोड़ी धैर्य से सुन लीजिए, और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने मुझको समय दिया है बोलने का। अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और माननीय सदस्य, इत्मीनान से आप अपने पक्ष को रखिए। हाँ, मैं अपने नेताओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज बोलने का हमको समय दिया है। मैं उस लालगंज की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने आज मुझको इस सदन में चुनकर भेजा है और इस बिहार के अंदर आवाज बनने की हमको ताकत दी है। बंधुओं, दो विषय ध्यान रखना है। ये सदन वैचारिक विमर्श का सदन है, ये सदन केवल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। और वो पढ़ लीजिए, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार का अंग है, हम भी सरकार के अंग हैं। आप अपना बात को रखिए, उस सब लोग पढ़े हुए हैं, इसका ध्यान रखते हुए कोई आदमी नहीं होगा जो नहीं पढ़ लिया होगा। आप अपने बात को रखिए, हमारा समय ना बर्बाद करें अपना। अध्यक्ष महोदय, हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिले से ही पथ निर्माण मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी चुनाव जीत कर आते हैं। मैं अभी बजट भाषण उनका देख रहा था, मैं अभी उनके इस किताब को देख रहा था, और मैं थोड़ी सी बात अपने क्षेत्र की कहूंगा, इसलिए पहले कह दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बातों से तिलकी लग सकती है और मेरा विरोध शुरू हो जाएगा। बंधुओं, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र में एक सराय से लेकर लालगंज को जोड़ने वाली सड़क है, 44 करोड़ की इस योजना को, वो 7 पहले से 5 मीटर की सड़क है, 5.7 मीटर की, अभी उसको 7 मीटर करने की योजना है। विगत 1 वर्षों से वो लगातार फाइलों में दौड़ रही है, मैं ये नहीं समझता हूं, और जब अंतिम मुकाम पर आया तो 8 महीने 7 महीने पहले आने वाली सरकार उस पर कुंडली मालकर बैठ गई है। वैशाली जिले का यह महत्वपूर्ण सड़क है। दूसरा विषय है, लाल हाजीपुर से वैशाली को जाने वाली सड़क है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बुद्ध सम्यक संग्रहालय के लिए वहां हर हफ्ते हर महीने जाते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि उस सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है, जिसके कारण प्रत्येक माह में दर्जनों एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, उसको कम से कम 10 मीटर किया जाए, ताकि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी उसको अच्छा महसूस कर सके और अच्छी सड़क बन सके। तीसरा विषय है हमारा, लालगंज 1857 में नगर पालिका बना था, शायद बिहार का कोई वैसा क्षेत्र नहीं होगा जो इतना पुराना नगर पालिका क्षेत्र होगा, परंतु वहां की सड़कें जर्जर हैं। हमारा अनुरोध है पथ निर्माण मंत्री महोदय से कि वहां की सड़कों को आप गोद लीजिए और लालगंज की सड़कों को, जो घाघरा नहर से लेकर के प्रखंड कार्यालय होते हुए मुख्य मार्ग को जोड़ती है, उसको आप पथ निर्माण में लेकर के निर्माण कराने की आप कृपा करिए। चौथा विषय है, जब एनडीए के विषय पर आ रहे हैं, चौथा विषय है कि हमारे यहाँ बांध पर सड़क की बहुत जरूरत है, 1.5 किलोमीटर बांध पे सड़क की जरूरत है, कृपा करिए, वहां की जनता भी आपको धन्यवाद देगी, वहां की जनता भी आपके प्रति आभार प्रकट करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बजट भाषण देख रहा था और अभी देख रहा था कि 5000 करोड़ का प्रस्ताव बिहार की सरकार ने रखा है, उनका पूरा बजट 5000 करोड़ का है। आप में से कल परसों को कह रहे थे परसों कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली कैसे होगा, 1.25 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने इस बिहार को दिया है,
बिहार की सड़कें बन रही हैं 1.25 लाख करोड़ से, और 5,000 करोड़ की सड़कें बनाकर, 5,000 करोड़ की सड़कें बनाकर और उसमें भी वेतन देकर आप पिछला रहे हैं, इतरा रहे हैं, और 1.25 लाख करोड़ रुपया एक और एक केंद्र सरकार ने बिहार की सड़कों को दिया। हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार सरकार का ये किताब बोल रहा है कि 1.25 लाख करोड़ की परियोजनाएं बिहार के अंदर भारत सरकार की दी हुई चल रही है। आप और आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। अभी के पहले माननीय सदस्य अभी के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के मुख्यमंत्री थे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और अभी वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। जब एनडीए के मुख्यमंत्री थे इस किताब में एक भी उल्लेख नहीं है कि 8 महीने के अंदर की सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है। केवल एक उल्लेख हमको दिखा है। पहले जब किताबों के पन्ने हम पलटते थे तो हजार हजार करोड़ की परियोजनाएं केवल नालंदा जिले में दिखाई पड़ती थी। आज इस किताब के पन्ने पर लिखा है 1600 करोड़ रुपया केवल एक राघोपुर के क्षेत्र में, जहां से हमारे उप मुख्यमंत्री जीत कर आते हैं, वहां बजट दिया गया है, बाकी पूरा बिहार सुना रहेगा। बिहार के ये 1600 करोड़ है, देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी किताब बोल रही है। अगर 1600 करोड़ की योजना एक विधानसभा में दी जाएगी और 40 करोड़ की हमारी योजनाओं को लटकाया जाएगा तो ये हमारे क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो महागठबंधन वाले लोग हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं है। हमने वो दिन देखा है जब इस बिहार के अंदर एक पथ निर्माण मंत्री थे, स्वर्गीय पता नहीं महरूम है कि जीवित है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इलियास हुसैन साहब थे। वो इलियास हुसैन साहब जेल क्यों गए? अलकतरा घोटाले में जेल गए। शर्म करिए आप, बिहार की सड़कें आपने नहीं बनाई। अगर सड़कें बनी है बिहार में तो वो हमने बनाया है, हमारे एनडीए की सरकार ने बनाया है, हमारे मंत्रियों ने बनाया है, हमारे लोगों ने बनाया है। जिस चमचमाती सड़कों को आप आज पीठ थपथपा रहे हैं वो सड़कें हमारी बनाई हुई हैं, वो सड़कें हमारी मंत्रियों ने बना करके आपको दी है। और आप इठलाइए मत, वहां से उस इलियास हुसैन जी के अलकतरा घोटाले वाली बिहार की सरकार को हमने निकाल करके एनडीए की सरकार में लाया और हमने बिहार के अंदर चमचमाती हुई सड़क दी है। और आप उस सड़क पर जो इठला रहे हैं, ये किताबें लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पुलिंदा एनडीए की सरकार में किए गए काम का ब्यौरा है, आपके 8 महीने की सरकार का ब्यौरा नहीं है। आप सर्व करिए। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, आप स्थान ग्रहण। अच्छा, समय हमारा 1-2 मिनट का समय दिया जाए, आप स्थान ग्रहण करें। मैं भी पढ़ रहा था जिस 5,000 करोड़ का बिहार सरकार का बजट है, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।